और इसी मैपिंग के साथ कन्फ्लिक्ट एरियाज कहाँ पे ये मानव वन्यजीव संघर्ष या मानव हाथी संघर्ष के लिए कौन से क्षेत्र हैं जो वरीयता वाले हैं उनका चिन्हीकरण, और साथ ही इनके जो गलियारे हैं, कॉरिडोर हैं, उनको कैसे हम और बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकें ताकि हाथी बिना किसी व्यवधान के विचरण कर सकें और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा सकें। साथ ही जो ह्यूमन वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है हाथी से जन एक बार पुनः हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा, संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है और वो अटैक करना शुरू करते हैं, तो इन सब में हमें बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। और मैं अपनी तरफ से ये अपने साथ सहयोगी की तरफ से आश्वासन राज्य सरकारों को सबको देता हूँ कि हम लोग मिल करके इस दिशा में काम करेंगे। जैसे अगर जो नेशनल स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट प्लान शायद हम लोग बना रहे हैं इसके लिए, एलिफेंट के लिए, तो उसमें हम लोग सभी राज्यों को एक साथ मिल करके काम करने की आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में, सचिव महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग राज्यों की जो व्यवस्था है उसको और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उनके समन्वय की तरफ बेटर समन्वय हो और आपस में अधिकारियों की चर्चा होती बहुत होते थे जो एलिफेंट को बहुत अच्छे से समझते थे, तो इस तरह के एलिफेंट ट्रेनर भी हमें साथ में अपने साथ एक स्किल्ड मैन पावर रखनी चाहिए जो एलिफेंट को हेल्प को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा।